आइए आज हम चर्चा करते हैं हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में। जीवन में हर किसी की कोई ना कोई समस्या जरूर रहती है, छोटी हो चाहे मोटी हो। एक विद्यार्थी सोचता है कि मैं अच्छे नंबर से पास करूं, एकाग्रता से पढ़ाई करूं। एक बेरोजगार व्यक्ति है, उसको नौकरी की तलाश है। एक बच्ची की माँ है, वो सोचती है मेरे बच्चे का अच्छे घर में विवाह हो जाए, शादी नहीं हो रही है, विलंब हो रहा है, जल्दी से विवाह हो जाए। किसी व्यापारी की बहुत सा कर्जा है, वो चाहता है कि इस कर्जे से मेरे को मुक्ति मिले। ऐसी और अन्य कई समस्याएं, किसी को शत्रु बाधा है, किसी को कुछ ना कुछ बाधा है, तो क्या करें? इसके लिए आपको एक बहुत साधारण सा सिंपल सा आज मैं उपाय बताऊंगा। विश्वास कीजिए, आप यदि श्रद्धा और विश्वास से उस कार्य को करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आध्यात्म जगत का एक ही सूत्र है, विश्वासो फलदायकम। यदि आप विश्वास करके किसी कार्य को करते हैं तो उसको फल आपको जरूर मिलेगा, उसको सिद्धि प्राप्त होगी उस कार्य में आपको। और यदि आप बिना विश्वास के कार्य करते हैं तो चाहे आप जैसे मंदिर में मानो तो वो भगवान है, नहीं मानते तो केवल पत्थर की मूर्ति है, वो कोई कार्य सिद्ध अपना नहीं करेगी। इसी प्रकार ये आध्यात्म क्षेत्र का मूल मंत्र है श्रद्धा और विश्वास से। आज जो आपको उपाय बता रहा हूँ वो कीजिए। आप दो बादाम लीजिए, बादाम तो आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। ये आपको बादाम लेनी है, दो बादाम लीजिए और एक बादाम मंदिर में चढ़ा दीजिए और एक अपने साथ ले आइए। मंदिर में कहाँ, जहाँ भी आपके कोई इष्ट देवता है, आप राम मंदिर जाते हैं, शिव या कृष्ण मंदिर जाते हैं, या किसी संत की समाधि पे जाते हैं, कहीं भी आप यदि नहीं जाते हैं तो किसी देव वृक्ष के नीचे जाइए, बरगद के पास में जाइए, पीपल के नीचे जाइए, दो बादाम लेके जाइए। दोनों बादामों को वहाँ भगवान के या वृक्ष के नीचे आप अर्पण कर दीजिए। वहीं पे आँख मूंद करके भाव से, हृदय से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है भगवान से एकाकार होके, तल्लीन होके एक बार निवेदन कर दीजिए, हे प्रभु मेरी ये कामना है, इस प्रकार का दुख मेरे जीवन में है, आप कृपा कीजिए, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। फिर आप प्रार्थना करने के पश्चात उसमें से एक बादाम उठा लीजिए और घर ले आइए। आपको यही क्रिया लगातार 11 दिन तक करनी है मित्रों। इस आखिरी दिन आपको एक विशेष सावधानी रखनी है, जो 11वां दिन है उस दिन आप बादाम चढ़ा करके अपनी प्रार्थना पूरी करके एक बादाम को अपने पास जेब में रख लीजिए, और जब बाहर आ जाएं मंदिर से या पेड़ के पास में से जब वापस लौटने लगें तो जो चप्पल आप पहन के गए हैं या जो जूते आप पहन के गए हैं वो आपको वहीं छोड़ने हैं। मन में प्रार्थना और भावना रखनी है कि मेरा दरिद्र है, मेरे बुरे दिन है, मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, और अच्छे दिन की कामना करते हुए आप घर आ जाइए। घर आकर के वो बादाम जो रखी हुई थी कट्टी, 11 बादाम उनको कूट लीजिए। कूटने के बाद भी उसके अंदर बूरा चीनी, जो पाउडर वाली चीनी आती है बारीक, उसको मिलाइए। उसको मिलाने के बाद में एक नारियल का गिट लीजिए, गोला जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के उसका मुंह काटिए ऊपर से, और उसके अंदर उस बूरा चीनी को और जो बादाम का पाउडर मिक्स किया है हमने उसमें, उन दोनों को मिला के वो भर दीजिए। भर करके उसको आप आसपास में जाके किसी कीड़े नगरी, जो कीड़ियाँ रहती हैं, चींटियाँ रहती हैं जिनको हम चींटियाँ कहते हैं, उन चींटियों के बिल के पास में कहीं गाड़ दीजिए। आप वो कम से कम चींटियों का एक महीने का भोजन है मान लीजिए आप वहाँ दे रहे हैं, और कितने सारे जीव पेट भरेंगे, उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। ये कार्य करके वो गिटे उसको वहाँ जमीन में गाड़ करके भगवान से आपकी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करके आप आ जाइए। विश्वास कीजिए दोस्तों, ये 11 दिन का प्रयोग है, चमत्कारिक प्रयोग है। श्रद्धा से आप उसको करेंगे तो जो भी कामना लेके आप ये प्रयोग कर रहे हैं वो आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। चाहे वो आपके बच्चे बच्चियों का विवाह कार्य हो या आपकी आर्थिक तंगी हो, आप निश्चित रूप से इसमें सफलता आपको मिलेगी। आप करके देखिए। आगे भी ऐसे ही और प्रयोग और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।